नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। चलिए नजर डालते हैं हरियाणा की टॉप 10 खबरों पर। हरियाणा के फतेहाबाद में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आने पर जिला प्रशासन ग्राम सचिव पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब तक आधा दर्जन ग्राम सचिवों को चार्जशीट दिया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव खरखड़ा के समीप एक डबल डेकर बस को गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से बीमार युवक ने सफाई कर्मचारी को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। ट्रेन के नीचे आने से चंद्रपुरी निवासी समीर कर्मचारी महेंद्र की बाई बांह कट गई। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम अब किसान अवतार में सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में राम रहीम ने अब खेती की। आदमपुर उपचुनाव की हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में मचे घमासान में हाईकमान नाराज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान से इसको लेकर नेताओं को फटकार लगी है। हिसार में जिंदर पुल के नजदीक एक पार्क में 52 वर्षीय आयुर्वेदिक चिकित्सक का शव पेड़ पर कपड़े के सहारे लटका मिला। 4 दिन पहले चिकित्सक बैंक जाने के बाद कहकर घर से निकला था। पानीपत सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने दो कारों की भिड़ंत में युवक की मौत हो गई। युवक 5 बहनों का इकलौता भाई था। वही हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। हरियाणा के युवाओं में सेना में भर्ती होने का ऐसा जज्बा है कि वो मेडिकल इंजीनियर की पढ़ाई छोड़कर भर्ती में शामिल हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के परिजन और दोस्त चाहते हैं कि वे स्वास्थ्य विभाग या फिर अन्य निजी कंपनी में नौकरी करें। हरियाणा के सभी जिलों में पेट्रोल पंप संचालकों को सुबह 6 बजे से हड़ताल चल रही है। पंप संचालकों ने सरकार को पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 नवंबर को वे 24 घंटे के लिए स्ट्राइक करेंगे। हरियाणा के हिसार के हासी में नगर परिषद के एक ठेकेदार नैनपाल की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। वह ट्रांसफार्मर पर लगी स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए चढ़ा था।